नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। एक बड़ा धमाका हुआ बहरोड़ विधानसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने और दिग्गज नेता डॉक्टर जसवंत यादव पे पूरा भरोसा जताया और उनको अपना उम्मीदवार बना के बहरोड़ भेजा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब, गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है, टिकट की खिड़की। टिकट लेने के मामले में तो आप खापट निकले, अच्छे अच्छे को धराशायी कर दिया, क्या गोटी बैठ गई आपका क्वेश्चन हंसी लायक है। देखो भाई गोयल साहब, जग जाहिर है, आप भी बीच बीच में हम आपसे बात भी करते रहते थे। मैं टिकट लेने के लिए 1% भी इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा मन आत्मा से था कि मोहित चुनाव लड़े, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत ही सज्जन और शरीफ लड़का है, ऐसे लड़के की बहरोड़ के अंदर ज़रूरत है। प्रयास ही बहुत किए मोहित ने, बहुत ज़्यादा प्रयास किए, जनता का चाहता है बना, पर पार्टी ने पता नहीं क्या माना, क्योंकि लोगों के बहरोड़ की जो जनता की आवाज़ है ना, वो अजीब तरह की थी। हर बार मैं भी गाँव में जाता था, आप लड़ो आप लड़ो, तो इसको कोई हाईकमांड ने सुना और हाईकमांड ने मुझे दिया ज़बरदस्ती टिकट। डॉक्टर साहब, पूरे 5 साल मोहित यादव ने मेहनत की और आपको जब कहते थे कि मोहित यादव की जगह आप लड़िए, आप गुस्सा भी करते थे कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन आपने तो मोहित का ही टिकट काट दिया। देखो, मैं जायज में मन से कहा करता था और मैंने बहुत कार्यकर्ताओं को तरह तरह की बातें भी कही, लेकिन हाईकमांड ने दृढ़तापूर्वक 1 महीना तक यही लड़ाई चलती रही। हाईकमांड मुझे कहता रहा आपको लड़ना पड़ेगा, मैं कहता रहा मोहित को लड़ाओ या किसी को भी, आप टिकट दे दो, जिसको चाहो उसको दे दो। तो फिर आखिरी के अंदर हाईकमांड की बात तो माननी जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो मैंने किसी का भी टिकट नहीं काटा, क्योंकि जब आदमी टिकट मांगता है तो काटता है। अब हाईकमांड का आदेश माना है, मैंने जनता का आदेश रहा है कि ये मेरा टिकट नहीं है, ये जनता की आवाज़ थी कि मैं ही लड़ूँ, तो उस आवाज़ को हाईकमांड ने मान लिया और मेरी आवाज़ को दबा दिया। डॉक्टर साहब, कल से पूरे बहरोड़ क्षेत्र में चर्चा जोरों पे है कि डॉक्टर जसवंत यादव ने टिकट के मामले में तिजारा के अंदर भी एक ऐसा मास्टर मामन के रूप में खोटा गाड़ दिया था और महंत बालकनाथ जी को भी आपके समर्थन में आना पड़ा। देखिए, पूरी पार्टी एक है और सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ हैं। मेरे लिए तो महंत जी एक बड़े महंत है, सम्मानित है, पर दूसरे नाते में अगर मन से कहे तो मैं आत्मा से एक सही सच्चा आदमी हूँ। मोहित मेयर महाराज जी में कोई अंतर नहीं, इसलिए महाराज जी के लिए मैं कोई रोड़ा खड़ा करने का सवाल ही नहीं था और हमेशा एक ही रहे हम लोग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कांग्रेस की टिकट मिली, संजय यादव को मिली और कांग्रेस के अंदर बहरोड़ कांग्रेस के अंदर विद्रोह हुआ, बस्तीराम भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, कल डॉक्टर करण सिंह ने भी संकेत दिए कि वो भाजपा में आ सकते हैं, उन्होंने भाजपा की तारीफें की है, तो क्या आपसे कोई बात हुई है कि वो बहरोड़ के अंदर आपका समर्थन करें, बस्तीराम और डॉक्टर करण सिंह यादव? देखो, डॉक्टर करण सिंह सही मायने में कांग्रेस लायक नहीं है, वो बहुत ही सभ्य और सौभर इंसान है, और अगर वो उनके लिए सही पार्टी कोई है, अगर राइट वो अपना जीवन में आखिरी में चुनाव कर सकते हैं, तो वो बीजेपी है। और बीजेपी में अगर वो आते हैं तो हम लोग ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि करण सिंह जी को 1 मिनट भी सोचे समझे बिना कांग्रेस उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका पूरा सम्मान है और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी में और भी दावेदार थे, निश्चित रूप से उनको टिकट नहीं मिलती है तो थोड़ा गुस्सा भी होता है, थोड़ी उनको आत्मग्लानी भी होती है कि हमने पार्टी के लिए इतना किया, करोड़ों रुपए फूंके और आपने इतना खर्चा भी नहीं किया और आप टिकट आसानी से लिया है, उनको किस तरह से मनाएंगे आप? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना मोहित ने प्रयास किया, टिकट तो मोहित का भी कटा है, खर्चा तो मोहित का भी हुआ है, पहलवान का भी हुआ है, महेंद्र का भी हुआ है, सानू का तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, नीलम का भी हुआ है, देवेंद्र का भी हुआ है, रोहतास प्रधान के सारे टिकट मांग रहे थे, पर मैंने किसी का टिकट काटा नहीं, क्योंकि जब मैंने मांगा ही नहीं तो मैं टिकट तो जब काटता जब मैंने टिकट मांगा हो। अब हाईकमांड ने क्या सोच समझ के अपना फैसला किया है, उनके आदेश को मानना है मैंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी ये नेता है, ये पार्टी के लिए समर्पित नेता है और ये गाँव में जा कर के पूरा प्रॉमिस कर चुके हैं, लोगों के सामने कह चुके हैं कि हम हर कीमत पे पूरी भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी, एक मंच पे काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बलजीत के खिलाफ एकजुट रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट रहेगी, लेकिन बहरोड़ का चुनाव जिस तरह से हो रहा है, आज डॉक्टर आर सी यादव भी मीटिंग करने वाले हैं,
तो क्या लगता है कि जो आपके विरोधी हैं जो एक मंच पे आ पाएंगे उनके साथ? सर मैं एक बात कहूँगा, मुझे कहनी ये बात नहीं चाहिए पर आपके माध्यम से, क्योंकि आप पत्रकार हो, खरी खरी बात करने वाले, मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर आरसी यादव से, अब उनकी उम्र नहीं है, टिकट मिलता तो चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर वो अब चुनाव लड़ते हैं तो केवल उनकी इमेज खराब होगी। निर्दलीय उनकी चुनाव लड़ने की ना तो स्थिति है, ना व्यवस्था है, ना लोगों में आकर्षण है, तो उनको तो मैं कहूँगा उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने टिकट लेकर के तो अपना काम कर लिया, लेकिन अब एक भैरों में बड़ी चुनौती है, चुनाव के दौरान आप उस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे जीत में बदलने के लिए? देखो आप कह रहे चुनौती तो हर छोटे से छोटा चुनाव भी होता है, लेकिन बलजीत यादव को मुझे जो टिकट मिला है ना, मैं उसी से अंदाज़ा लगाता हूँ। पिछले बार महंत बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, वो पूरे देश के अंदर बाबा बालकनाथ का चुनाव नहीं था, वो मोदी जी का चुनाव था। उसका परिणाम क्या हुआ कि बाबा बालकनाथ 4.25 लाख वोट से जीत गए यहाँ से। इस बार बहरोड का चुनाव, ये मेरा चुनाव नहीं है, ना ये मेरी टिकट है, ये जनता की तो टिकट है, क्योंकि जनता की भावना ऐसी थी, और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इसमें, जनता चुनाव लड़ेगी। और जनता ने एक ही ठान रखा, आप लोग पत्रकार हो, सारी बातें आप सोचते समझते हो, नेता कुछ भी कह सकते हैं, पर जनता ने ये मन बना रखा है कि हर कीमत के ऊपर बलजीत यादव को सबक सिखाएगी। ये मेरा चुनाव नहीं, जनता का चुनाव। सर आपने टिकट का जिक्र किया, लगातार 16 साल से तो टिकट आपके कब्जे में है, 10 साल आपके पास रही, पिछले चुनाव में मोहित को टिकट मिली, अब की बार फिर आपने धमाका कर दिया। इन 16 सालों के अंदर 10 साल आप विधायक रहे, मंत्री भी रहे, बहरोड के लिए आप क्या सोचते हैं कि मेरा पहला एजेंडा बहरोड में चुनाव जीतते ही ये रहेगा? देखो सारे काम तो सरकारें करती रहती है, क्योंकि विकास जब से मोदी जी आए इस देश के प्रधानमंत्री और वसुंधरा जी के टाइम में, एक ही थीम था गांव के विकास करना। पर हमारे बहरोड का एजेंडा एक बदला हुआ एजेंडा है। हमारे बहरोड का पहला एजेंडा यह है कि पत्रकार अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, और वो भी आज भयभीत है, तो पहला मेरा एजेंडा रहेगा कि भय मुक्त बहरोड हो, क्राइम मुक्त बहरोड हो, अराजकता मुक्त बहरोड, और बहरोड को साफ सुथरा किया। डॉक्टर साहब, पिछले चुनाव में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ आपकी गलतियां भी रह गई थी, आपको लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब को गुस्सा भी आता था, उस गुस्से को आप किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? आदरणीय, मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैंने कभी अपनी बीमारी को छुपाया भी नहीं। मुझे प्रोस्टेट कैंसर था, उसी टाइम डिटेक्ट हुआ, ऊपर से आदमी को लग रहा कि मेरी मौत है, तो वो चुनाव हम लड़ नहीं पाए। हम अस्पतालों के चक्कर काटते, रात को दोनों बाप बेटे अस्पताल जाते थे, दिन में आके हम आप लोगों से मिल लेते थे, तो मन नहीं था। पिछले बार चुनाव तो हमारी बीमारी की वजह से हम लोग लड़ नहीं पाए, और इस बार का चुनाव तो मेरे ज़्यादा बेटा लग गया, इधर मैं लग रहा हूँ जीते। डॉक्टर साहब, 6 तारीख को आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, 6 तारीख को एक रैली भी करेंगे आप, क्या उस रैली के अंदर कोई बड़ा नेता आएगा? अभी मुझे कल समाचार मिला है प्रदेश कार्यालय से, आपके नॉमिनेशन भराने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आ रही है। इधर राष्ट्रीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा जी भी आएंगे, और भी विधायक वगैरह सभी आएंगे, तो आएंगे लोग। डॉक्टर साहब, हमारे सूत्रों के अनुसार बहरोड में ऐसी चर्चा चल रही है कि कुछ नेता आपके खिलाफ एक नेता को खड़ा कर रहे हैं सारे मिलकर के, उन रुष्ट नेताओं को आप कैसे मनाएंगे? क्या बड़े नेताओं से फ़ोन करवाएंगे, आप खुद जाएंगे उनके पास में? सर मैं सबके पास जाऊँगा, खुद जाऊँगा। बहरोड के अंदर एक काल्पनिक स्टोरी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ भैरोड़ से भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ और चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर जसवंत यादव। टिकट के मामले में तो खापट है ही, अच्छे अच्छे को धराशायी इन्होंने कर भी दिया, अब चुनौती है इनको भैरोड़ से चुनाव जीतने की। देखते रहें राज 24। नमस्कार।